आपको बताना चाहता हूं कि अब से कुछ देर पहले ही डिप्टी डायरेक्टर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वहां दफ्तर में पहुंचे हैं, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है। वो हम आपको बस तुरंत ही प्ले करवाते हैं, जिसमें उन्होंने आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव कहा है कि इनिशियल स्टेज पर अब जांच शुरू हो गई है और हम जल्द इसके बारे में जानकारी देंगे। यहीं से अब अंदर की तरफ गए हैं और यहां पर मीटिंग का दौर शुरू होगा। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद कोई बड़ी खबर जरूर आए। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो किसी न किसी को सम्मन जरूर भेजेगी, क्योंकि अभी ईडी के ऑफिसर से मीटिंग करने के बाद यहाँ पर टीम पहुंची है। आज तक से खास बातचीत क्या की है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने, और काफी जानकारी अब साझा करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन इनिशियल उन्होंने कहा है कि इनिशियल की जो स्टेज की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने शुरू कर दिया और अब जल्द आपको कोई जानकारी बड़ी देंगे। अंजना, बिल्कुल जरूर आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास जाएंगे। इस बीच जो बड़ी खबर हम दिखा रहे थे, अपने दर्शकों को दिखा दें, फिर हमारे साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक भी है, उनका भी रुख करेंगे। देखिए, रामदास अठावले का खुलकर रिया चक्रवर्ती पर शक जाहिर करते हुए ये पूरी बात आई है, जिसमें आपको बता दें एक तरफ पूछताछ चल रही है मुंबई में, दूसरी तरफ रामदास अठावले, ये सिद्धार्थ पिठानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां से निकलते हुए, जो जी हाँ सिद्धार्थ पिठानी निकलते हुए। जल्दी से एक अपडेट इस पर मुनीश से ले लेते हैं। मुनीश जी, देखिए अंजना, सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई जो है मुंबई के हेड ऑफिस बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लेकर गई है, और उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि शुरुआत में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल मिरांडा की आपस में कन्फ्रंटेशन कराया जा रहा था, लेकिन फिर से विरोधाभास नजर आ रहा है, जिसके बाद में सीबीआई को ऐसा लगा कि उन्हें अलग से लेकर पूछताछ करनी चाहिए। डीआरडीओ का जो एक गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है, यहां पर बहुत ज़्यादा कमरे नहीं है, इसीलिए सीबीआई की एक टीम अब सिद्धार्थ पिठानी से अलग से पूछताछ करेगी, नीरज और सैमुअल मिरांडा से अलग पूछताछ हो रही है, रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ का दौर चालू है, और शौविक से अलग से पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई है वो हर एक एंगल पे इस समय जितने भी इस मामले में गवाह हैं और आरोपी हैं उन सब से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, शम्स आपके पास क्या अपडेट है पूरे मामले पर? बस यही अंजना कि मैं सिर्फ फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि शायद एक बार इसको दिल्ली से भी कहा गया कि कंफर्म करने के लिए, बहुत चांसेस है, बहुत उम्मीद है कि शायद आज दिल्ली से आज ही फ्राइडे को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ मुंबई पहुंचे इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, जल्दी से एक अपडेट यहाँ से सतेन ले लेते हैं। सतेन, एग्जैक्टली क्या उन्होंने बोला है, क्या रिया चक्रवर्ती पर परिवार शक जाहिर कर रहा है, इस बात का भी जिक्र किया रामदास अठावले ने? जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि परिवार से मैंने बात की है और परिवार बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि उन्हें पूरा शक है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है और इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच बहुत बारीकी से होनी चाहिए। और जो रामदास अठावले ने भी पूरे परिवार को भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही इस जांच में नहीं बरती जाएगी, बल्कि मल्टीपल एजेंसीज अलग अलग एंगल से पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसके साथ ही ये भी बता दूं कि जो परिवार लगातार जो आरोप लगाता आया था और बार बार छोटे छोटे वीडियो या फिर चिट्ठी लिखकर जो है परिवार जिस तरह की शंका जाहिर करता रहा था, वो आज इन्होंने रामदास अठावले के सामने खुलकर बातें की है। तो साथ ही जिस तरीके से ये पूरे मामले की जांच चल रही है, तो परिवार ने भी कहीं ना कहीं संतोष जाहिर किया है कि अब तक जो जांच चल रही है उससे वो संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें बहुत जल्द न्याय मिलेगा। और यही इससे पहले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर आए थे मनोहर लाल खट्टर, तब भी परिवार ने जब बात की थी तो खट्टर साहब को भी परिवार ने यही कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि हमारे बेटे के साथ आखिर हुआ क्या था और कौन लोग इसके पीछे हैं। तो दूसरी तरफ परिवार बार बार ये कह रहा है कि एक तरफ उनसे पैसे लिए गए, उनके पैसे को लूटा गया, तो दूसरी तरफ हत्या भी की गई, काश हत्या ना की जाती, पैसे ही लूट लिए जाते तो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली रहती। तो कुल मिलाकर जो परिवार शुरू से ही कह रहा है, अब उन आरोपों पर सीबीआई और अलग अलग एजेंसीज जांच कर रही है। जल्दी से सुना देते हैं क्या कहा है रामदास अठावले ने। उनको पटना मिलने जाने वाला था, लेकिन अभी उनके साथ आधा घंटा तक बात हुई और के सिंह साहब को मैंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है कि हत्या है, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है और हमें डाउट ये है कि भाई उनकी हत्या हो गई है, कोई गैंग ने उनको फंसा कर उनकी हत्या की होगी। तो उसी तरह मतलब हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग मैंने सबसे पहले की थी और इसीलिए मतलब अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है
और के सिंह साहब को हमने बताया कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख के शामिल हैं और आप मतलब पूरा भारत देश आपके साथ है, आपको डरने की बात नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का आत्महत्या का जो न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों ने उनको मजबूर किया या उनकी हत्या की है उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए।